तो भाई ये आ गई है गुजरात की फेमस डिश दाबेली। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल आपके? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। तो भाई आज इसकी वजह से टाइम हो रहा है 2:15, यानी 2:15 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। उसका रीजन ये है क्योंकि मुझे सुबह एक तो काम था, सो मैं ऑफिस चला गया था और उसके बाद लेट आया ऑफिस से। मैं 12:30 फ्री हो गया था, उसके बाद इसका वेट करता रहा। ये कह रहा कि मैं आ जाऊंगा 1 बजे तक, 1 बजे फोन आया, फिर आके अब बोल रहा है कि मैं पूरा कहाँ कहाँ घूम के आया। हम शॉर्टकट की जगह ना लॉन्ग कट में घुस गए और इतने गंदे लॉन्ग कट में घुस गए, हमें फिर वापस शॉर्टकट लेना पड़ा। जो पुराना रास्ता था हमने उसका नए रास्ते चलते शॉर्टकट पड़ेगा, पर हमने फिर वो भाई इसका कोई विश्वास नहीं, कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, नहीं कर सकते भाई। तेरा विश्वास क्या करे हमें? कुमार विश्वास का विश्वास तो करोगे? हम विश्वास नहीं कर रहे, घूम रहे थे, कितने सारे विश्वास इकट्ठे हो गए देखो। सो भाई करते हैं इस ब्लॉग की स्टार्ट और आज के दिन की स्टार्ट। सबसे पहले गाड़ी में भराऊंगा ऑयल, यानी डीजल भरवाना है मेरे को। गाड़ी का टैंक थोड़ा सा गड़बड़ शो कर रहा है, मतलब 2 डंडे शो कर रहा है, रिजर्व में गाड़ी लग गई है। सो इसमें थोड़ा सा ईंधन डलवा लें, इसको भी खुराक चाहिए तो वो भी डलवाते हैं और उसके बाद चलते हैं। भाई भाई ने नया चैनल बनाया है, वो भी आप देख लेना। सो इसके अभी आज ब्लॉग शूट करना है तो वहाँ चलते हैं, वो जगह आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। और आपको वैसे पता ही होगा कि हम लोग यूजुअली जाते कहाँ हैं। तो भैया पेट्रोल पंप के पास पहुंच गए और यहाँ भराते हैं ईंधन। ईंधन ईंधन यार, इसका नाम डीजल पंप क्यों नहीं रखा गया? पेट्रोल पंप ही क्यों कहते हैं? डीजल भी तो मिलता है इसके पास। महंगा पहले वही था ना? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। हाँ भाई ऐसे ही होता है, जो महंगी चीज होती है उसे नाम रखते हैं हमेशा, ब्रांड वैल्यू दिखाने के लिए। अच्छा अंकल जी नमस्ते। तो भाई टैंक फुल कराते हैं, नोजल दिखा देना एक बार ऊपर देखो। हाँ हाँ ठीक है, लगा दो। हाँ जी भाई, 5680 रुपए का तेल लग गया गाड़ी में, मतलब भर गया। सो हमसे ज्यादा खर्चा कर रही है भाई आजकल। और ये भाऊ जी कह रहे हैं कि तेल गाड़ी ऑन करके जाते तो बढ़िया रहता है। भाई पसीना आ गया। अच्छा पसीना आ गया, कितना सरवाइव कर नहीं पाता। अच्छा कितना महंगा है तेल ये पता है? महंगा है, आई नो वेरी वेल, बट मैं विदेश से आया हूँ तो मुझे इंडिया में रहना इतना मोटी है। विदेश से कौन से विदेश से आया? कनाडा का हूँ मैं आदमी। अच्छा कनाडियन। ये भाई इन्होंने एक हवा भरवा लें थोड़ी सी, इन्होंने और जैम लगा रखा। अरे वो आ गया ना पेट्रोल पंप का, ये बाहर पेट्रोलियम ट्रक कैप्सूल कैप्सूल कैप्सूल। सो भाई हवा वाली जगह में बहुत ज्यादा भीड़ थी, हमने भराई नहीं, आगे भराएंगे कहीं। एक पीछे वाले टायर में थोड़ी हवा कम थी तो उसको भरानी है। तो फिलहाल चलते हैं भैया के लिए व्लॉग शूट करने। भाई किंग किंग ऑफ द डे, आज व्लॉग शूट कराएंगे भाई अपना। यस मतलब पोर्टफोलियो शूट हो रहा है भाई लड़के का। आज मैं पूरे उसमें ब्रह्मांड में चक्कर लगाऊंगा। तोता कौन सा ब्रह्मांड यार? मेरी खान के खान है। कहाँ गए? उतार कर रखे मेरे घर पे। क्यों? कल मैंने वो करवाया था ना, क्या शेविंग कटिंग वैक्स एंड ऑल। तो वो कौन सा वैक्स का मैं वैक्स का तो यहाँ पे ना टैनिंग के लिए। अच्छा टैनिंग के लिए। हाँ तो भाई देख लो कितने है। इसके बहुत ज्यादा खर्चे हैं भाई। धर्मपाल से भी ज्यादा खर्चे हैं भाई इसके। अगर धर्मपाल भाई वीडियो देख रहा हो तेरे से भी ज्यादा खर्चे हैं। ककड़ी खा रहे हो? भुट्टा। सो एज यूजुअल हम लोग एंट्री कर रहे हैं भाई अपनी सुंदर नर्सरी में और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। आज के पेमेंट ये करेगा, ये बैठा इसी की वीडियो शूट होने आई है तो पेमेंट भी आज ये करेगा। आवाज तो बेटा तेरे को आएगी आएगी, अभी वो बोलेगा कि पैसे दो तो तेरे को आवाज आएगी। कुछ कह रहे हो क्या? हाँ अभी इससे पेमेंट कराता हूँ। कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं अभी करवाता हूँ तेरे से भाई। करा दिया मैंने इससे पेमेंट। कैसा लग रहा है? कितने 250? हाँ भाई 250 तो ज्यादा है यार, थोड़ा तो कम करो, हम तो रेगुलर वाले हैं। वो कहेगा पास बनवा लो है? तो भर्ती आदमी बादाम चूस रहा है। आज बादाम से काम चल रहा है।
और कुछ भी चाहिए एक मार्केट में सस्ते बादाम मिलते हैं। सस्ते बादाम सस्ते काजू बुध बाजार में से बुध बाजार था चोर बाजार में मिलते बादाम काजू तो मैं एक बार चोर बाजार चला गया बादाम काजू मेरे का साला कुछ भी मतलब क्या 25% मतलब जो कमाएगा जो कमाऊंगा 25% तुम्हारा भाई बॉन्ड साइन कर लो इसके साथ आके रिकॉर्ड हो गया ये डल भी जाएगा 20 साल बाद देखोगे तो भी मिलेगा तेरा क्या होगा रे तेरे हिस्से में से भी 12.5 दे रहा उससे तो परमिशन ले ले सबको मार दूंगा पैसे यूट्यूब में सोचता हूं यूट्यूब से पैसे कमाऊंगा ना मैं गरीब को मार दूंगा स्टार्टिंग यहीं से करना चाय पी जिंदा रहे और बेटा दौड़ लगा दे बाकी हम देख लेंगे सबसे ज्यादा ब्लॉगर सबसे बताओ सबसे ज्यादा ब्लॉगर खा के बता दो भैया सबसे ज्यादा ब्लॉगर खा के निम्बक कम पड़ गए कौन सी जगह है नाम बताओ एक बार दोबारा बोलो निमग्गमपुर निमग्गमपुर शर्मा जी तुम बोलो पसीनों में हो गए लतपत और भाई ने अभी तक कम से कम कितने रीटेक लिए होंगे 40 रीटेक 40 से 60 रीटेक ले लिए बट एक भाई इंट्रो वीडियो हम लोगों से अभी तक नहीं बनी भैया पता क्या हो रहा है होता ही है कि जब कोई जिसका चैनल है ना उसके ऊपर क्या गुजरती है आपको नहीं पता इनका चैनल था तो इनके ऊपर गुजरती थी भाई वैसे ही वीडियो बनाने के लिए गुजरती है 11 पहले तो वही चीज है कि भैया जिसका चैनल उसे नहीं बनती भाई नहीं बनती कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाता है भाई सभी लोगों का मेरा भी हिल गया था तो भाई कोई नहीं नई शुरुआत कर रहे हैं एक फिर से तो मैंने भी नई शुरुआत करी थी भाई ने मेरा साथ दिया मैं भाई का साथ दे रहा हूँ हम दोनों एक ही साथ ट्रैवल करते हैं तो एक ही साथ वीडियोज आती हैं तो इसलिए हम एक दूसरे के साथ हैं तो प्लीज भाई आप लोग भी अगर एक दूसरे का साथ निभाना चाहते हो तो अपने भाई का भी निभाओ सब्सक्राइब करो दबा के सो फिर से एक रीटेक ले लेते हैं भाई के साथ भाई इसका अभी तक शूट कम्प्लीट नहीं हुआ बीट भी गड़ गई चिड़िया 3 घंटे हो गए इसका वीडियो शूट नहीं हो पाया अभी बहुत मुश्किल से एक क्लिप लिया है क्यों नहीं काम करते भाई तुम जल्दी जल्दी ऐसा किया करो ना कि जल्दी काम हो जाए तुम्हारे अच्छा ओ भाई माइक निकाल हटा दे तुम नीचे से भाई बहुत देर हो गई अब थोड़ी पानी पीऊंगा जाके बहुत तेज प्यास लग रही है जंगल के बीचों बीच खड़ा किया हुआ है इसने देखो चारों तरफ ना आगे कोई ना पीछे कोई देखो आगे भी और पीछे भी कोई नहीं है भाई सो चलते हैं यहाँ से निकलते हैं पानी शानी पीते हैं और वहाँ से उसके बाद घर निकलेंगे यार तो भाई अब हम यहाँ से निकल रहे हैं इस पार्क में से सारी वीडियो वगैरह जो शूट करना था वो हमने कर लिया बेल्ट लगाते हैं अपने घर की तरफ को जाते हैं तो भाई ये आ गई है गुजरात की फेमस डिश दाबेली मैं तो पहली बार इसे देख रहा हूँ और ट्राई करूँगा मैंने नाम भी नहीं सुना इसका पहले तो लेट्स ट्राई इट अच्छी होनी चाहिए यार तो भाई करते हैं इसे ट्राई आ जाओ भाई इस बाबू जी का तो व्रत है सो यही रख लेते हैं भाई ये कैसे बना है इसने ये तो पाव में कह रहा था पाव में पाव तो है कैसा है जी खाने में गार्लिक का टेस्ट बहुत ज्यादा है बहुत स्ट्रॉन्ग गार्लिक है इसमें वहाँ पे इतनी गार्लिक नहीं होती बाकी जो है टेस्ट बहुत अच्छा होता है बाकी मुझे वही है कि डाउट है कि इसने अच्छे से क्योंकि नार वनार के दाने डालते हैं वहाँ पे तो यहाँ पे कुछ अलग सा बनाया दावे भी अलग अलग बनाने का तरीका होता है सबका मैं खिलाऊंगा तुम्हें जब मैं जाऊँगा ना तब खिलाऊंगा फैन हो जाऊंगा तुमसे सो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने घर टीवी देख रही है लड़की
सो भाई खाना पीना सारा मेरा हो चुका है, रात के बज गए हैं 9। सो इस ब्लॉग को करते हैं यही पे एंड। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना वीडियो और उनको बोलना कि भाई आगे भी फॉरवर्ड करें, अपने भाई को फेमस कर दो भाई, मतलब फेमस क्या मतलब सब्सक्राइब कर दो, अपने फैमिली बनाओ यार, प्यार दो। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।